ऐसा करते हम तुम्हारा नहीं लेते हैं, ठीक है? तुम्हारा हम नहीं लेते हैं वीडियो। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, वो तो 3 दिन से काम करके बोर हो चुका है रूम पे। सो आज हम लोग जा रहे हैं पार्क। सो गाइस, दिखाती हूँ भूत को। आइए, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू। सो गाइस, हम दोनों चल रहे अभी, और वहाँ पे क्या क्या करते हैं आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा। सो आप लोग बने रहो और चलते पार्क, थोड़ा सा इंजॉय करेंगे, चिल करेंगे, आज चलेंगे, बैठेंगे बहुत 2-3 घंटे आराम से बैठेंगे, ठीक है? बहुत मस्ती करेंगे, मस्ती भी करेंगे। तो गाइस, अभी हम पार्क जा रहे थे, लेकिन हमें रास्ते में दिखा यहाँ पे मेला लगा हुआ है मकर संक्रांति के लिए। सो अभी हम यहाँ आ गए और दिखाते हैं कैसा नहीं है। सो गाइस, आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है थारू राष्ट्रीय माघी महोत्सव, और यहाँ पे 2 एंट्री गेट है, आप देख सकते हो इधर उधर। और यहाँ पे खाने पीने का ठेला बहुत सारा था, आप यहाँ पे आगे खा सकते हो। और देख सकते हो बहुत सारे खिलौने भी है, और गोलगप्पा का ठेला तो बहुत सारा था, और बहुत सारे खाने पीने का काउंटर भी था, आप जाके वहाँ से मतलब खरीद के खा सकते। वैसे ज्यादा भीड़ नहीं था, बट मतलब अपने यहाँ जो मेला होता वैसा नहीं था। और गाइज, आप यहाँ पे गेम भी खेल सकते हो आप, और देख सकते हो यहाँ पे बहुत लोग खेल भी रहे, तीर जैसा जिसको फेंकना है, अगर नंबर पे आ जाता है तो फिर आपको वो सामान मिल जाएगा, ऐसा कुछ था यहाँ पे। और एक भैया का लग भी गया था। सो गाइज, जैसे ही हम आगे बढ़े तो हमें 2 लड़की दिखी, इनसे हम पूछ रहे मेले के बारे में। यहाँ पे अभी क्या हो रहा है बताओ आप लोग? यहाँ पे हमारा प्रोग्राम है, और कल माघी संक्रांति है, और हमारा बहुत ही खास होता है। अच्छा, हम आज के दिन इतने में होते हैं लड्डू, वो खाते हैं, और भी खाते हैं, और बगिया कहते हैं वो भी खाते हैं। Hey guys, so अभी हम लोग आगे जा रहे हैं, देखते हैं कैसा है। पर ज्यादातर यहाँ पे क्या दिख रहा है ना, खाने पीने का ही ज्यादा दुकान है, ठीक है? और हर दुकान पे आप देखोगे मतलब वोडका का सबसे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे हो रहा है, ठीक है? हम लोग तो खाते नहीं है, पीते नहीं है। और एक चीज, ये जो है ना तिला संक्रांत है ना, ये यहाँ पे नेपाल में नेवारी लोगों का एक बहुत बड़ा पर्व होता है यहाँ के लिए, ठीक है? तो हम लोग के लिए भी है तिला संक्रांत, तो यहाँ पे ये इसी के लिए मेला लगा हुआ है। दोनों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा है, बहुत क्यूट था, मुझे क्यूट थी बोलो। कल यहाँ पे प्रोग्राम है, सबको मैं दिखा दूँ कि वहाँ पे स्टेज बना हुआ है ऑलरेडी, और ये कुछ दुकान सब है। उधर चलते हैं, बहुत सारा भीड़ है, वहाँ से चलते हैं, आगे से घूम के चलेंगे, इसलिए हम तुम्हें इधर लाए हैं, ठीक है? और तुम कुछ बोलो। अभी देखते हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं क्या है नहीं है। एक्चुअली में हम लोग आए थे कि जा रहे पार्क, पार्क जाएंगे, नो डाउट यहीं पे है, बस बगल में ही है पार्क। तो अभी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे इसको एक्सप्लोर करते हैं कि एक्चुअली में होता कैसा है ना। हाँ जी, देख सकते हो आप, कुछ लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं पहाड़ पे। और मैं ना आज से 10 दिन पहले इसी में आता था, मैं मॉर्निंग में रनिंग करने के लिए। सो गाइस, यहाँ पे भी वॉलीबॉल हो रहा है, और ये भीड़ जो देख रहे हो इसी चीज के लिए है। मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। गाइस, जस्ट अभी हमने आपको दिखाया वॉलीबॉल, इसमें लोग खेल रहा था। अभी हम लोग चलते हैं वहाँ पे, कुछ कार्यक्रम हो रहा है, सो देखते हैं क्या हो रहा है। यदि मगर मौली खान पान चाख्न चाहेमा त्यहाँ हाम्रो सबै प्रकारका विशेष खानपिनहरू रहेको छ। तो गाइज, आप देख सकते हो बहुत सारी लड़कियां और लड़के रेडी होके खड़े हैं, क्योंकि इनको ही परफॉर्म करना है स्टेज पे। हेलो गाइज, यहाँ से हम वापस जा रहे हैं पार्क। सो गाइज, पार्क में अंदर जाने के लिए वो तो टिकट ले चुके हैं, आप देख सकते हो। सो गाइज, फाइनली हम पार्क आ चुके हैं, और देख सकते हो ये रहा पार्क, रत्ना पार्क, और ये रहे बुत्तू महाराज। ठीक है, अभी हम लोग है रत्ना पार्क के अंदर, और अभी हम लोग क्या करते हैं,
थोड़ा इंजॉय करते हैं। और देखो लड़की को मौका मिला नहीं कि दौड़ना शुरू कर दी, ऐसा करते हम तुम्हारा नहीं लेते हैं, ठीक है? तुम्हारा हम नहीं लेते हैं वीडियो। ये देखो गिलहरी, हाँ गिलहरी। हे गाइस, सो अभी हम लोग है रत्ना पार्क के अंदर और ये लड़की बहुत सारा दौड़ ली और थक भी गई। और नहीं, नहीं बिल्कुल भी नहीं थकी हूँ मैं, नहीं थकी हूँ, नहीं तुम्हारे से थको इंसान तो मैं हूँ नहीं पहली बार। अरे ऐसा मैं थकती नहीं हूँ, अब इतना भी मेरे से दौड़ा तो अभी हम लोग बस एक आइडिया मेरे दिमाग में, बोलो क्यों ना मैं दौड़ भी हिस्सा लूँ। हाँ ले लो, फर्स्ट करो, सबसे लास्ट से फर्स्ट करूँगी। बहुत पानी गंदा है, इसलिए इसमें मछली भी था, बहुत सारा मछली इसमें नहीं था, उधर भी है, इसमें भी होगा मछली, नहीं इसी में था, बहुत गंदा हो गया, पानी बहुत गंदा है। और इधर पानी कहाँ से आया, कहाँ से आ गया पानी? अरे पूरा उधर तक पानी है। ये तुम उसका क्या बनाते हैं उसको, ठीक है ये एक भी नहीं आया नहीं आया, गजब बेइज्जती है। तब गाइस ये लड़की सीढ़ी पे चढ़ने गई, हाँ जाओ जाओ चढ़ो चढ़ो, हम नहीं चढ़ सकते, जाओ तुम आओ ना। अच्छा ठीक से है ना ये लड़की ने, तुम छोटी बच्ची हो क्या, कौन सा डायलॉग है, छोटी बच्ची हो क्या, मजा आ रहा है, नहीं हम नहीं कर सकते, छोटा बच्चा का है ही नहीं, छोटा बच्चा का नहीं है ये लड़की ना मेरे को बोल रही है कि अब इस पे जाके मेरे को भी स्लाइड करने के लिए, लेकिन ये वाला बच्चा लोग लिए है और ये बोल रही है कि तुम जाओ तुम भी जाओ, हम घूमते रहते हैं, ये नहीं घूमेगी, इसको घूमने का ज्यादा मन नहीं है। मैं भी घूम रही हूं, पीछे आगे भी देख लेना, देखो इसका कैसे नाच रही है, इसको याद है कि झूला कहाँ है और अब ये शायद वहां पे दिख रहा है, सो ये जाने वाली है। हाँ सही है कर लो कर लो, इसके पीछे पीछे मेरे को भी चलना पड़ रहा है, क्या करें हम कुछ भी नहीं कर सकते, बेचारा पति। सब झूला पे एक एक लोग है, कैसे तुम झूलोगी बताओ, सब पे तो एक एक लोग है ही है। एक आई छोटी लड़की को देख सकते हो, जैसे इसे एक मिला एक झूला खा ली, दौड़ के चली गई वहां पे, पर इसको पता भी नहीं है कि यहाँ पे दो डॉग भी है झूलने के लिए। कितने घंटे बाद मिले तुम्हें, एक घंटे, चलो एक घंटे से कम, एटलीस्ट रील तो बना ली ना तुम अपना, चलो मेरे सामने कौन बच्चा होगा, मैं तो खुद बच्चा, मार मत देना मेरे को गाइस देख सकते हो कितना मस्ती कर रही है, ऐसा मत करो गिर जाना तुम, गिर मत जाना गाइस, मैं जबरदस्ती इस लड़का को झूले में बैठाई हूँ, इसको झूलने का बिल्कुल भी मन नहीं है, लेकिन मैं झूला रही हूँ इसको, पैर सीधा करो, हाँ गाइस देख सकते हो इसको कैसे झूल रहा है, इसको झूलने भी नहीं आता गाइस, वहाँ पे एक लड़का स्टंट दिखा रहा है लेकिन स्टंट में फेल हो जा रहा है बार बार वो। सो गाइज आप यहाँ देख सकते हो बाउंड्री के बाहर से बूतू ले रहा है मूंगफली, क्योंकि हम बाहर से कुछ भी लेकर नहीं आए खाने को, सो अभी खाने का मन हो रहा है इसलिए हम ले रहे हैं यहाँ से मूंगफली, आप देख सकते हो। और ये जो आपको दिख रहा है प्लास्टिक में, ये 60 रुपए का, इतना सा ही 60 रुपए का, देख सकते हो ये अभी बैठ गया है नीचे घास पे और खा रहा है बादाम मूंगफली, इसको बोलते मूंगफली अपने यहाँ खाइए, पता कुछ जल भी गया गाइस, इसको यही चाहिए था आके, इसको इसका मन था कि मैं पार्क में जाऊँ आराम से बैठूं और धूप के मजे लूं, है ना? यस सो भी मैं खा रही हूं, ठंडा का मौसम है ना तो थोड़ा सा धूप चाहिए हम लोगों को बॉडी के लिए। गाइस देख सकते हो इसका पेट नहीं भर रहा तो मुंह भी दर्द नहीं कर रहा, उसी टाइम से पूरा खा गया, मैं तो बस दो चार खाई हूं, बाद में सारा ये बैठे बैठे खा रहा है, कितना ज्यादा भूखा हो तो तुम, बादाम खाने वाला थी खाए और जो बचा मेरे को दे रहा है मेरे बैग में रखने के लिए, तुम्हारा काम क्या आएगा खुद आएगा मेरे को रखने के लिए मेरे बैग बहुत गलत बात है, चलो चलो मेरा पर्स फट जाएगा, तुम्हारा पर्स फटेगा ना,
खरीदने में तो पैसा मेरा ही लगेगा फिर। उठा नहीं जा रहा मेरे से, उठाओ ये। उठा ले यार, गिरा दे मेरे को। तुम उठो तो, उठ क्यों नहीं रही है? इधर आओ, पूरा घास भूसा लगा ली। थोड़ा सा मार रहे, थोड़ा सा झाड़ रहे, चलो हो गया। सो गाइस फाइनली 3-4 घंटे एंजॉय करने के बाद अब हम इस पार्क से वापस आ रहे हैं और देख सकते हो वो तो आगे आगे चल रहे हैं। सो गाइस हम यहाँ कुछ खाने आ गए हैं, ये रहा मोमोज और अभी चाट आ रहा है, टेस्ट करके देखिए कैसा है। हाँ जी, कैसा है? अच्छा है। सो गाइस यहाँ चाट आ चुके हैं, समोसा चाट। सो गाइस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे एक न्यू ब्लॉग के साथ। अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करना।